जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के जीनियस IQ में। आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? ए आइजक न्यूटन, बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी मैडम क्यूरी। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है डी मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था? ए बैरोमीटर, बी पेंडुलम क्लॉक, सी माइक्रोस्कोप, डी टेलीस्कोप। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है डी टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रहों की खोज किसने की थी? ए कैपलर, बी फ्रीडरिक मेशर, सी चार्ल्स डार्विन, डी गैलीलियो। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ए कैपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, घड़ी पेंडुलम के आविष्कारक कौन थे? ए जॉन पेम्बर्टन, बी क्रिश्चियन ह्यूगेंस, सी बेटेसन, डी अलेसान्ड्रो वोल्ट। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी क्रिश्चियन ह्यूगेंस। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है कि आप 10 प्रश्न में से कितने का सही उत्तर दे पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, निम्नलिखित में से घड़ी के आविष्कारक कौन है? ए विक्टर हेस, बी मुस्तफा कमाल पाशा, सी आई सिंह और लियांग सैन, डी इयान विल्मुट। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है सी आई सिंह और लियांग सैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किस सूफी संत ने की थी? ए मुस्तफा कमाल पाशा, बी ख्वाजा अबू अब्दास चिश्ती, सी बिस्मार्क, डी अल्फ्रेड नोबल। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी ख्वाजा अबू अब्दास चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन की खोज किसने की थी? ए चार्ल्स डार्विन, बी अरस्तु, सी मार्को पोलो, डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है सी मार्को पोलो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए फ्रीडरिक मेशर, बी मैक्स मुलर, सी डॉक्टर फेलिक्स होफमैन, डी एडवर्ड जनरल। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है डी एडवर्ड जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जंगल बुक के लेखक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु को, बी डॉक्टर फेलिक्स होफमैन को, सी रुडयार्ड किपलंग को, डी चार्ल्स डार्विन को। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है सी रुडयार्ड किपलंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? ए सैमुअल हेनीमैनन, बी माल्थस, सी चार्ल्स डार्विन, डी वाल्टर हंट। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी माल्थस। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।